बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज कुछ बहुत ही हल्का फुल्का सा और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करने का दिल कर रहा था, तो सोचा कि आज क्लब सैंडविचेस बना लेते हैं। आज असल में हम अपने घर भी नहीं थे, हम अपनी नानों के घर आए हुए थे बच्चों के साथ, तो इसकी वजह से कुकिंग भी का भी दिल नहीं था और दूसरा मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग की छुट्टी भी नहीं कर सकती थी, तो सोचा चिकन के सैंडविचेस बनाते हैं जो हम सब खा लेंगे और आपके लिए वीडियो भी बन जाएगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 कप चिकन बॉयल्ड, जिसे मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था। उसमें मैं शामिल करूंगी 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़, जितना चिकन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मायोनीज़ शामिल कर लीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये और बहुत यमी बनती है, बहुत डिफरेंट स्टाइल के हैं। साथ इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, आप किसी भी कंपनी की बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे शामिल की है शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद गाजर को मैंने क्रश कर लिया था और शिमला मिर्च को बारीक लंबा काट लिया था। साथ इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च और नमक इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करूँगी, क्योंकि मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस में ऑलरेडी नमक काफ़ी होता है, तो हम बहुत थोड़ी मिकदार में नमक इसमें शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए और आगे रमज़ान में इफ्तारी के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी कहते होंगे कि हर वीडियो में मैं यही बात ऐड करती हूँ कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और इफ्तारी के लिए ये चीज़ परफेक्ट है, क्योंकि अब माशाल्लाह से रमज़ान की भी आमद आमद है, तो इस तरह की चीज़ें मेरी बनाने की कोशिश है कि जो आगे हमारे लिए रमज़ान में हेल्पफुल हों, जो कम वक्त में अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ हों, और इसी तरह की रेसिपीज़ बच्चे लंच बॉक्स में भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रेड को ऑलरेडी उसके एजेस को रिमूव करके रख लिया हुआ था और अब इस तरह से मैं इसके ऊपर जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है उसको स्प्रेड कर लूँगी। तकरीबन जितना मैंने ये मिक्सचर रेडी किया है उससे एक पूरी बड़ी ब्रेड के सैंडविचेस तैयार हो गए थे, और चिकन को ऑलरेडी मैंने कल रात में ही बॉयल कर दिया था ताकि काम जो है वो जल्दी से हो जाए। अगर हम पहले से ही थोड़ा सा प्लान कर लें अपनी कुकिंग को कि हमने डिश क्या बनानी है, तो एक दिन पहले उसकी तैयारी कर लें तो कुकिंग हमारी बहुत आसान हो जाती है, कम वक्त में अच्छी चीज़ रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने सैंडविचेस रेडी कर लिए थे, सैंडविचेस और भी थे लेकिन एक डिश में इतने ही आए थे। साथ मैंने लेटस से सलाद के पत्तों से इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली थी। आप यकीन करें कि बच्चे इस वक्त बिल्कुल आसपास मंडला रहे थे कि हमें बस मिल जाए खाने के लिए, और छोटे बेटे ने तो माशाल्लाह मुझे बहुत तंग किया हुआ था, वो एज़ यूजल यही कहता है कि भी कुकिंग मैं ही कर लूँ, मामा तो पीछे हट जाएं। तो सैंडविचेस मेरे सारे तकरीबन तैयार थे। आज की रेसिपी बिल्कुल छोटी सी है, क्विक है और बहुत यमी है। आप लोग भी क्लब सैंडविचेस बनाते होंगे, अपनी रेसिपी भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा, और अपने पुराने व्यूवर्स से कहूंगी कि मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें और अपनी कमेंट से अपनी राय का इजहार भी किया करें। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।